प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश जा रहे हैं। उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी साथ रहेंगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच 20 अहम समझौते हो सकते हैं। FSSAI ने मैगी के उत्पादन और बिक्री पर पूरे देश में रोक लगा दी है, जिससे पूरे देश में मैगी पर रोक लग गई है। मैगी पर चल रहे विवाद को लेकर पीएमओ ने मैगी पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। नेस्ले के ग्लोबल सीईओ पॉल बुल्के ने प्रेस वार्ता में कहा कि मैगी भारत में सुरक्षित है और पूरी दुनिया मैगी की गुणवत्ता और मापदंड एक है। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7 RCR में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। 1984 सिख दंगे के मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सिखों ने प्रदर्शन किया और जगदीश टाइटलर का पुतला फूंका। मणिपुर के चंदेल जिले में सेना के एक गश्ती दल पर हुए हमले में 18 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई। बिहार में मुख्यमंत्री आवास पर आम लीची के बगीचे में पहरा लगाए जाने वाले विवाद में लालू प्रसाद यादव ने एंट्री करते हुए कहा कि आम लीची और कटहल के पेड़ तो उन्होंने लगवाए थे, लेकिन अब उन्हीं के लिए नीतीश और मांझी झगड़ा कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने UGC के चेयरपर्सन वेद प्रकाश को सरकारी नीतियों के खिलाफ बोलने पर कड़ी फटकार लगाई है। जम्मू में भंडारवाला के पोस्टर हटाए जाने पर बवाल के बाद जम्मू में धारा 144 लागू कर दी गई है। सिख समुदाय ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से रखे कोड ऑफ कंडक्ट के प्रस्ताव को भारत ने दोबारा ठुकरा दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आतंक का हुआ खात्मा। सहारनपुर पुलिस ने अम्बेहादा चंद गांव में 2 लाख के नामी राहुल खट्टा को एनकाउंटर में मार गिराया। 14 से 16 जून तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चीन के सिचुआन प्रांत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगड़ू में साउथ एशिया सिचुआन बिजनेस प्रमोशन काउंसिल के 6 गोलमेज सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने पीएम मोदी के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को बताया निरर्थक। कहा टुकड़ों में 50 साल में भी साफ नहीं हो पाएगी गंगा। यूपी के शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम बार बार चिल्लाया राम नाम तो हो जाएगा काम तमाम। यूपी की सरकारी नौकरियों में जाति आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। फैजाबाद का सपूत मणिपुर में शहीद हो गया। बेटे के शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। लखनऊ के महानगर इलाके में अनियंत्रित इंडिगो कार ने फुटपाथ पर सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया। लखनऊ में ई रिक्शा चालकों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। बैटरी रिक्शा चालक कल्याण समिति की ओर से ये सभी चालकों ने एकजुट होकर विधानसभा के सामने एकजुट होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। गाजियाबाद शहर के स्कूल अस्पताल होटल रेस्टोरेंट में पीने का पानी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शहर के 19 संस्थानों से पीने के पानी का सैंपल कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने लिया था। कानपुर में एयर इंडिया ने चकेरी एयरपोर्ट में अपना ऑफिस भी बंद कर दिया है। ऑफिस के बंद होने से अब फ्लाइट शुरू होने की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई है। इलाहाबाद में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। इलाहाबाद में 2 व्यक्ति एक अस्पताल में इलाज के लिए आए थे। इस दौरान दबंगों ने डॉक्टरों के साथ मनमानी करना शुरू कर दिया। मुरादाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाप बेटी की मौत हो गई। मामला थाना कटघर इलाके का है। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में BED की काउंसिलिंग के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। सुल्तानपुर के धमौर थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव में दबंगों ने दलित बस्ती में ग्राम प्रधान समेत कई महिलाओं पर हमला कर दिया। वाराणसी के जयापुर में अनोखी मिसाल पेश की। इस पूरे गांव में वासियों ने प्रण लिया है कि वो लड़की होने पर खुशियों तो मनाएंगे ही, साथ में घर पर लड़की होने पर 5 पेड़ भी लगाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ जिले में स्कूली बच्चों ने 20 मिनट में 1 लाख पेड़ लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है।